जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। सोमवार का दिन 11 दिसंबर आज सर्वा सिद्धि योग 12:14 से आरंभ होगा, जो आपके लिए शुभ होगा, जो आपके सौभाग्य को आगे बढ़ाएगा, जो आपको वांछित सिद्धि देगा, अभिलाषा की पूर्ति आप करेंगे। आज सुकर्मा योग विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। विशाखा नक्षत्र 12:14 तक अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करेगा। जब विशाखा नक्षत्र का बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में होगा तो श्रेष्ठ कार्य से जुड़ेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, शुभता आपके जीवन में बढ़ेगी, महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऊर्जा उत्साह आपके जीवन में बहुत ज्यादा होगा, प्रभावशाली होंगे, धन धान में वृद्धि का योग बनेगा, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। 12:14 के बाद अनुराधा नक्षत्र में शनि से आप प्रभावित हो जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र के समय सर्वा सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा, जो आपकी जीवन में हर प्रकार का सुख देता है। आपके भाग्य चक्र में जीवन में सौभाग्य का योग है। शनि की विशेष कृपा अनुराधा नक्षत्र में प्राप्त हो रहा है, जिससे सुख बढ़ेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, धन का लाभ होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का योग बनेगा, आपके संकट दूर होंगे, मन की उलझनों से छुटकारा मिलेगा और जीवन में कुछ अच्छा काम आप अवश्य करेंगे। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल बुध की दृष्टि है। आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 7:10 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगा। बृहस्पति और शनि के प्रभाव से मंगल और बुध की दृष्टि से आज परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, कामयाबी सफलता के लिए समय शुभ है, भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आज का दिन उन्नति के अवसर और जीवन में बदलाव का योग है। संतुष्टि खुशी सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखें, मेहनत करें, भाग्य चमकेगा, अच्छा काम करें, खुशी प्राप्त होगी। आज कोई ऐसा काम आप अवश्य करें जो आपको खुशी प्रदान करता हो, क्योंकि आज आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जो परिवार में सुख शांति को बढ़ाने वाला शुभ संकेत दे रहा है। आपकी कुंडली का पंचम भाव, आपकी कुंडली का कर्म स्थान, आपकी कुंडली का लग्न और आपकी कुंडली का भाग्य स्थान आज बड़ा शुभ है, क्योंकि आज का दिन 4 चरण में व्यतीत हो रहा है। प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, तृतीय चरण का स्वामी सूर्य है और चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। आज आपकी कुंडली में अद्भुत योग बन रहा है, त्रिग्रही राजयोग, 3 शुभ ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं, मंगल सूर्य और चंद्रमा की युक्ति है, भाग्य बड़ा अच्छा है, जीवन में सुख प्राप्त आप अवश्य करेंगे, आपके कार्य सफल होंगे, दिन सुखद रहेगा, शुभ समाचार लेकर आएगा, आमदनी को बढ़ाने वाला, सफलता कामयाबी का सुख देने वाला, आज का दिन समृद्धि सौभाग्य से परिपूर्ण होगा। स्टूडेंट को अच्छे अवसर मिलेंगे, बड़ी सफलता, नई नौकरी का योग बनेगा, जीवन शानदार अवसर की संभावना लेकर आया है, बहुत लाभ होगा, ज्यादा धन कमाएंगे, प्रतिष्ठा भी पाएंगे, प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे, सामर्थ्य आपका बढ़ेगा और घर में खुशहाली आएगा। आज का दिन आपके लिए शुभ दिन है, जो संतान की उन्नति के लिए अच्छा है,
पराक्रम की वृद्धि के लिए अच्छा है, भाग्योदय के लिए अच्छा है, तो आपकी जीवन में खुशियां भी आएगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। आज आपकी कुंडली में त्रिग्रही राजयोग तीन शुभ ग्रह का एक साथ गोचर करना, मंगल सूर्य चंद्रमा आपके लिए विशेष तौर पर सुकर्मा योग में विशाखा नक्षत्र में किस्मत अपना दरवाजा खोलेगा। सफलता आपके कदमों में होगी, मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय मंगल सूर्य चंद्रमा का एक साथ गोचर करना और बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपके कर्म भाव पर कर्म से धन का योग बनाएगा। समय शुभ है, समय शानदार है, बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन में बड़ी कामयाबी और लाभ लेकर आया है। आज आप किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, तभी आपके जीवन में लाभ होगा और आपके जीवन में बड़ी सफलता कामयाबी की प्राप्ति होगी। अच्छा समय आपके जीवन का आरंभ हो चुका है। वहीं अनुराधा नक्षत्र में शनि के प्रभाव से भी आपके जीवन में सौभाग्य का सुख प्राप्त हो रहा है। आज शनि और शुक्र एक दूसरे से नवम पंचम योग बना रहे हैं, जबकि शनि के धन भाव में राहु का गोचर है और शनि के लाभ स्थान में बुध का गोचर हो रहा है। वहीं शुक्र की स्थिति इस समय शुक्र बृहस्पति के साथ समसप्तक योग बना रहा है और शुक्र बुध के साथ भाग्यशाली योग बना रहा है, क्योंकि बुध शुक्र के पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। आज आपकी योग्यता बढ़ेगी, आज का दिन आपके लिए बेहतर दिन है। हिम्मत ना हारे, मेहनत से काम करे, भाग्य का सितारा चमक रहा है। आज का दिन आपके लिए सुख प्राप्त करने का दिन है, सफलता कामयाबी पाने का दिन है। आज प्रेम की शुरुआत भी होगी और प्रेम विवाह का योग भी आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, तो आज का दिन कार्य की उन्नति से लोकप्रियता बढ़ेगी। आज दिन बड़ा खुशनुमा होगा, ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि आपकी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाएगा, सुखी संपन्न भाग्यशाली आप होंगे। शनि सौभाग्य को जगाता है तो बृहस्पति धन और कर्म से जीवन में सफलता और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होता है। समृद्ध होकर मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, बाधा रहित जीवन होता है, वैभवशाली जीवन होता है। आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज राहु काल 8:21 से 9:39 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर येलो होगा, लकी नंबर 5 होगा। आज सर्वा सिद्धि योग 12:14 अनुराधा नक्षत्र में शुभ है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:53 और विजय मुहूर्त 1:58 सौभाग्य और लाभ के लिए, तरक्की और कामयाबी के लिए बेहतर अवसर देगा। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है। उत्तर दिशा की तरफ से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता का सुख मिलेगा। आज बड़ा प्रभावशाली आपका जीवन होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कार्य करने में सक्षम होंगे, कार्य की सफलता जीवन में खुशी लेकर आएगा, एक नई शुरुआत परेशानियों को दूर करेगा। आज का दिन भाग्यशाली दिन है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।